अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरहत हाशमी बोल रही हूँ। क्या हाल है सबका? ज़ुल्हज का महीना अपने इख्तिताम को पहुँचा, मुहर्रम की आमद आमद है। इसके साथ ही हमारी जिंदगी का एक और साल गुजर गया। जब साल गुजरता है तो हम जायजा लेते हैं, कौन से काम मुकम्मल हुए, कौन से अधूरे रह गए। हमें इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस याद रखनी चाहिए कि वो शख्स बर्बाद हो गया जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं। आइंदा साल को भरपूर तरीके से गुजारने के लिए अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हम सब अपनी जिंदगियों का जायजा लें तो हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि हमारे आमाल में अब तक किस किस चीज की कमी है। एक उमूमी चीज जो हर जगह देखने में आई है वो है बंदों की बंदों पर ज्यादती। इसके लिए आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तवाफ कर रहे थे तो आपने काबा को देखा और फरमाया, ऐ काबा, तू कितना पाकीजा है, तेरी खुशबू कितनी पाकीजा है, तू किस कदर अजीम है, तेरा एहतराम कितना अजीम है। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के हाँ मोमिन की हुर्मत तेरी हुर्मत से बढ़कर है। एक और रिवायत में आता है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ने तेरी एक हुर्मत बयान की है जबकि मोमिन की तीन हुर्मतें हैं, यानी उसका खून, उसका माल और उसके बारे में बुरा गुमान भी हराम है। हम सब आइंदा के लिए इस बात का अहद करें कि हम दूसरों के बारे में गुमान अच्छा रखेंगे, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे। न सिर्फ ये कि गुमान अच्छा रखेंगे बल्कि गीबत, चुगली, बहतान तराशी से भी बचेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हाँ, याद रहे कि 10 मुहर्रम को रोजा रखना नहीं भूलना क्योंकि वो एक साल के गुनाहों का कफारा है। आप सबके लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।